ओके अब थोड़ा इनलाइटमेंट पीरियड को हम समझने की कोशिश क्या करते हैं कि क्या था इनलाइटमेंट पीरियड. ओके द रूट ऑफ द आइडियाज डेवलप बाय अर्ली सोशियोलॉजिस्ट आर ग्राउंडेड इन द सोशल कंडीशन दैट प्रिवेल्ड इन यूरोप. इससे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, देखिए जो सोशियोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है, या सोशियोलॉजी जो इमर्ज हुई या सोशियोलॉजी जो आई, जो उस टाइम पे यानी इस पीरियड में 1300 से लेके 1900 के पीरियड में जो भी चीज़ें समाज में बदल रही थी, लोगों की सोच विचार में आ रही थी, सोशल कंडीशन जो चेंज हो रहा था यूरोप में, उसी ने कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिस्ट को, समाजशास्त्री को एक चीज़ क्वेश्चन करना, सोचना, सोसाइटी इस तरीके से चेंज हो रही है तो क्यों हो रही है, सोसाइटी नहीं हो रही है तो क्यों हो रही है, या सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं और किस पे किस प्रकार का इन्फ्लुएंस या प्रभाव डाल रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ सोचने पे मजबूर करती है. जो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस होता है जिसको हम साइंटिफिक डिसिप्लिन कहते हैं, उसको हम यूरोपियन हिस्ट्री के साथ ही समझ सकते हैं. जैसे मैंने आपसे बात की कि जिस तरीके से मिडिवल टाइम से हम मॉडर्न टाइम में अलग अलग फेजेस में बढ़ते हैं, वैसे ही सोशियोलॉजी उन मॉडर्न फेजेस, जब मॉडर्निटी को हम टच करते हैं या मिडिवल से मॉडर्न की तरफ आ रहे होते हैं, तो उन्हीं सब फेजेस में डेवलप हुई. यानी मॉडर्निटी और सोशियोलॉजी जो है, या मॉडर्न हिस्ट्री और सोशियोलॉजी एक साथ डेवलप हुए हैं, ठीक है, कहने का यहाँ पे यही मतलब है. और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो चेंजेस थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आई थी सोसाइटी में, उन सब का नतीजा सोशियोलॉजी है. या नतीजा नेगेटिव टर्म होते हैं, मतलब उन सब के मिश्रण से सोशियोलॉजी उत्पन्न हुई है, जो कि मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा अपने आप में सब्जेक्ट डिसिप्लिन है. ठीक है, अब इनलाइटमेंट पीरियड को डिटेल में पढ़ते हैं. इसमें क्या होता है, इनलाइटमेंट पीरियड में होता क्या है, एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग आती है और जो भी रियलिटी है उसको नए तरीके से देखने की एक अंडरस्टैंडिंग लोगों के अंदर डेवलप होने लगती है, समाज को अलग तरीके से समझने की, देखने की. इंडिविजुअल जो हैं, जो लोग होते हैं अलग अलग, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करने लगते हैं उनके जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं, और कोई भी चीज़ को, मतलब अब हम हर पहले का फेस में क्या था, हम हर चीज़ को चर्च, प्रीस्ट, रिलीजन, अथॉरिटी, जो भी किंग है, मोनार्क है, उनके नज़रिए से देखते थे, उनकी नज़रिए से समझते थे. हमारा एज अ इंडिविजुअल, एज अ कॉमन पर्सन कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, लेकिन इस टाइम पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो रहा था. ओके, मतलब बेसिकली एज अ इंडिविजुअल हम ग्रो हो रहे थे, एज अ इंडिविजुअल हम क्वेश्चन कर रहे थे, एज अ इंडिविजुअल हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे. केवल गॉड का जो दिया हुआ, मतलब बेसिकली गॉड क्या, प्रीस्ट का जो दिया हुआ डेफिनेशन है या जो हमारे किंग ने ऑर्डर कर दिया, उसके अलावा भी हम चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे थे. इससे पहले ये चीज़ें नहीं थी, क्वेश्चन करना नहीं था, क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते. आप गॉड की, प्रीस्ट की अथॉरिटी क्वेश्चन थोड़े कर सकते थे मिडिवल टाइम में. अभी तो हम ऐसे मॉडर्न फेज में हैं कि कोई भी किसी रिलीजन को क्वेश्चन कर सकता है. बाद में कंट्रोवर्सी होती है, वो अलग चीज़ है, बट फिर भी लोगों के पास इतने राइट्स हैं. उस टाइम पे ऐसा कोई राइट नहीं था, क्योंकि गॉड से ज़्यादा कुछ वो सोच ही नहीं सकते थे. ठीक है, और ये सब चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं, तो कमर्शियल रिवॉल्यूशन की वजह से, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन की वजह से, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सब चीज़ों ने मिल के सोशियोलॉजी को एक तरीके से जन्म दिया या सोशियोलॉजी को लाने का काम किया है. ठीक है, अब अगर हम यूरोप में जो सोशल स्ट्रक्चर था, ठीक है, या जो पूरी सोसाइटी उस टाइम पे थी, जो उसका स्ट्रक्चर था, किस प्रकार सोसाइटी बनी थी. सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि इकोनॉमी कैसी है सोसाइटी की, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है सोसाइटी का. देखिए, एक सोसाइटी, कोई भी समाज जो है, वो बहुत सारे फैक्टर्स से मिलके बना होता है. समाज में पॉलिटिक्स होता है, राजनीति होती है, आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हो रही हैं, मतलब अर्थव्यवस्था किस चीज़ पर निर्भर है, कैसे लोग कमाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या कल्चर है, क्या रहन सहन है, समाज कितने प्रकार से बटा हुआ है भागों में, यानी स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से है, क्लासेस में, कास्ट में, हर तरी बहुत तरीके से मतलब डिवाइड होता है. और ये फैक्टर्स होते हैं, पर जनरली ये फैक्टर होते हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मैरिज की, फैमिली के, उन सभी आप स्टडी कर सकते हैं सोसाइटी को. तो हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉडर्न टाइम से पहले, मिडिवल टाइम पे बेसिकली किस प्रकार की सोसाइटी थी. तो बेसिकली यहाँ से पढ़ना है, देखिए, ओल्ड जो यूरोप था वो बहुत, अगर ट्रेडिशनल यूरोप, मिडिवल, अगर मैं सही बोले तो मध्यकाल यूरोप की यहाँ पे बात हो रही है, ओल्ड यूरोप
लिखा गया, ट्रेडिशनल था, ठीक है, ट्रेडिशनल था। लैंड जो था, जमीन जो थी, वो उनकी अर्थव्यवस्था सिस्टम का सेंटर था, यानी जो भी आर्थिक गतिविधि होती थी वो जमीन से संबंधित होती थी, यानी कृषि, कृषक, इस टाइप की सिचुएशन था। उसके बाद फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे वो ओनर थे लैंड के, और पीजेंट उस पर काम करते थे, बेसिकली किसान काम करते थे और फ्यूडल लॉर्ड जो थे वो जमीन को ओन करते थे। अब यहाँ पे फ्यूडलिज्म का एक आइडिया आता है। फ्यूडलिज्म क्या था? मध्यकाल में यूरोप में बहुत फेमस था, माना जाता है कि भारत में भी था, बट अभी भारत की बात नहीं हुई तो यूरोप का ही डिस्कस करते। फ्यूडल क्या होता था, मान लीजिए कोई एक देश है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक देश है, तो कोई भी देश, ऑस्ट्रिया बोल लेते हैं कि ये ऑस्ट्रिया है। अब ऑस्ट्रिया का राजा यहाँ, चाहे यहाँ कहीं भी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए राजा बैठा है, किंग है, किंग राज कर रहा है इस पूरे एरिया पे, जो मैंने ड्रॉ किया है उस पूरे एरिया पे राजा राज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत एरिया है ना, ये एरिया इतना सारा है, वो कैसे कंट्रोल करेगा राजा? तो वो राजा क्या करता था, अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लोज वंस को भी, या जो भी उसके, मतलब राजा यहाँ पे सेंटर में मान लीजिए बैठा है, अपने कैपिटल में बैठा है, तो वहाँ से वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कुछ ज़मीन असाइन करता था, कि मतलब मान लीजिए कि इसको उसने बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया, हम यहाँ पे तीन ही पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1, 2, 3, ओके, इसने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया और तीन लोगों को इसने दे दिया, जो तीन लोगों को वो ज़मीन देगा अपना ये तीन पार्ट, तो उनको हम बोलेंगे फ्यूडल। तो फ्यूडल का काम क्या होता था कि समय समय पे ये जमीन से जो भी मतलब या तो टैक्स कलेक्ट करता था या जो भी होता था वो जाके राजा को दे दिया करता था, ठीक है। और जब भी राजा को किसी से लड़ाई करना होता था या अपने सेफ्टी के लिए, वो फ्यूडल से बोलता था कि आप एक सेना भी भरकर, मतलब राजा के पास खुद का सेना नहीं होता था, जो ये फ्यूडल को जमीन दी गई थी, फ्यूडल राजा की जमीन की देखभाल भी करता था, उस पर से टैक्स भी कलेक्ट करता था, राजा को कुछ नजराना भी देता था, और जब भी राजा को जरूरत होती थी तो नाइट्स, यानी जो लड़ाकू होते हैं, जो योद्धा होते हैं, उनको भी फ्यूडल पाल रहा होता था, देख रहा होता था, और वो फ्यूडल जब भी राजा को आवश्यकता पड़ी तो वो उसको सेना देता था, ठीक है। तो मतलब फ्यूडल का काम क्या था, फ्यूडल लॉर्ड का काम क्या था, कि राजा ने उसको जमीन दी तो जमीन पे गरीब लोगों से खेती करवानी है, उन्हीं गरीब लोगों को सेना का, मतलब सब जो खेती कर रहे थे वो सेना में नहीं थे, लेकिन सेना भी एक मेंटेन रखनी है कि जब भी राजा को आवश्यकता पड़े तो वो सेना राजा को दे सके। दूसरा काम था कि जो भी जमीन से टैक्स वगैरह कलेक्ट हो रहा है उसको कलेक्ट करे, अपना सेना मेंटेन करने के लिए यूज करे और अपने लिए रखे, बाकी राजा को एज अ नजराना के रूप में दे दे। तो यही फ्यूडल सिस्टम होता था। लेकिन जो पीजेंट्स थे, जो लोग इस पे काम करते थे, किसान थे, फ्यूडल लॉर्ड से जमीन, जिस पे फ्यूडल लॉर्ड जमीन पे जिस पे काम करवाते थे, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत बुरी थी। उनको इतनी मेहनत करने के बाद भी अपनी जो लाइफ थी वो प्रॉपर नहीं जी पाते थे, बिकॉज ये जो फ्यूडल लॉर्ड थे उनको बहुत एक्सप्लॉइट करते थे, और जब भी राजा को किसी युद्ध में जाना पड़ता था तो इन्हीं में से सेना बहुत सारी निकाली जाती थी और वहाँ पे भी इनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। बाकी चैप्टर में अगर कहीं डिस्कस होगा तो मैं आगे भी आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँगी, बेसिक आइडिया आपको यहाँ दे दिया है। जो क्लासेस थी, यानी जो समाज में स्ट्रैटिफिकेशन था, बंटवारा था, डिवीजन था, वो बहुत क्लियरली था, ठीक है। रिलीजन जो था, धर्म, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था समाज में, और जो रिलीजियस हेड यानी प्रीस्ट जो होता था वो ही डिसाइड करता था कि क्या सही है, क्या गलत है, किसे क्या करना है, किसे क्या नहीं करना, और बहुत प्रकार के टैक्सेस देने पड़ते थे आम जनता को, ठीक है। और फैमिली और किनशिप, मतलब परिवार, परिवार से जितने संबंधी रिश्तेदार हैं, ये सबसे ज़्यादा गरीब लोगों का एक सेंटर होता था, और अमीरों का भी मान सकते हैं। और मोनार्की, जो राजा का राज था, वो समाज में बहुत ज़्यादा एकदम फ्लरिश था, सब लोग उसमें विश्वास करते थे और लोग मानते थे कि जो राजा है उसको गॉड से या मतलब जो भी क्राइस्ट हैं, जीजस हैं, उनसे मतलब गॉड से, किसी भी हेवेनली पावर से राइट मिला, यानी राजा को भगवान ने, प्रभु ने, अल्लाह ने, देवता ने ऑर्डर दिया है कि आप इन लोगों पे राज करें, ऐसा विश्वास था लोगों के उसमें, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर मैं कोई भी टर्म यूज़ करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, बिकॉज मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ, मैं किसी रिलीजन पे कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही समझिएगा, ज़्यादा उस पर मतलब, क्योंकि मुझे किसी ने मैसेज करके बोला था कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के टर्म्स यूज़ करते, नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको आसान हो, जिससे आप समझ सके, इसलिए ऐसे टर्म्स बोलती हूँ, ठीक है? बैक टू द चैप्टर। लेकिन अब ये सब चीज़ें हमने समझ ली कि समाज में हो रहा था, लेकिन समाज को धक्का कब लगा, समाज एकदम बदलाव कैसे होने लगा, तो वो होता है दो मेजर रिवोल्यूशन से, एक था फ्रेंच, एक था इंडस्ट्रियल। बाकी इन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है और इनसे पहले भी थोड़ा बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इन दोनों को हम माइलस्टोन मानते हैं। और ये जो रिवोल्यूशंस हुए, इन दोनों के अलावा जितनी रिवोल्यूशंस हुए, एनलाइटमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म, साइंटिफिक, बहुत सारे, ठीक है मैं गिनवाती रह जाऊंगी, तो बहुत सारे हुए। उन लोगों ने, इन सारे जो रिवोल्यूशंस थे, वो जो जितनी चीज़ें थी समाज में उस टाइम पे, ओल्ड यूरोप में जो भी मैंने बात किया, क्लास सिस्टम, रिलीजन, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, ये सब, इन सब चीज़ों को चैलेंज किया, ठीक है? और जो ओल्ड क्लासेस थे, यानी किंग, किंग के बाद प्रीस्ट, प्रीस्ट किंग दोनों एक ही लेवल के होते थे, उसके बाद ऐसे ही नाइट हो गए, उसके बाद सबसे लोअर लेवल पे ये जो लोग खेती करते थे वो थे, उनसे सब टैक्स वगैरह लिया था, इन सब चीज़ों को ओवरथ्रो कर दिया। किंग तो हट गया, मॉडर्न जो सोसाइटी होती है उसमें किंग थोड़े होता है, हम जिसको चूज करेंगे वही राजा है। राजा क्या मतलब, एक एक हमारा एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं, ठीक है? हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी है वो चूज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोस्ट इंडिया में, तो हमने चूज किया ना, हर 5 साल में हम हटा भी तो सकते हैं। तो सिमिलरली ये सब जो आइडियाज थी, किंग, प्रीस्ट, इनका हट गया, प्रीस्टली क्लास का उतना इंपॉर्टेंस नहीं हुआ, और नई क्लासेस आई, मिडिल क्लास जैसे आती है, ठीक है? रिलीजन को क्वेश्चन करने लगते हैं लोग, उसके बाद जो रिलीजन का इंपॉर्टेंस होता है मध्यकाल में, मिडिवल एज में, वो कम होने लगता है। उसके बाद जो वुमेन की जो सिचुएशन होती है, जो फैमिली की अगर हम बात करें, तो उसमें भी बदलाव आने लगता है, अब वुमेन राइट्स के लिए बात करने लगती हैं, और फाइनली मोनार्क जो होते हैं, जो राजा जो होते हैं, उनको ख़त्म करके डेमोक्रेसी आ जाती है। तो ये बेसिक सिनेरियो आप समझ लीजिए कि मिडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम के बीच में ये कुछ मेजर चीज़ें होती हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं याद रहे, अगर आपको ये दो स्लाइड याद जाता है कि पहले यूरोप कैसा था और बाद में किन चीज़ों से कैसा हो गया, तो आप बहुत कुछ स्टैंड कर सकते हैं रेवोल्यूशन के बारे में, ठीक है? उसके बाद जो कमर्शियल रेवोल्यूशन और साइंटिफिक रेवोल्यूशन होता है 14th और 18th century में, जिसको रेनेसा का हम फेज पॉपुलरली बोल देते हैं, और इसी की वजह से जो आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस, ये सब होती हैं, इनका रिवाइवल होता है। जो पास्ट की होती है उनको भी याद करते हैं और न्यू भी हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट है हमारा, फर्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। तो बेसिकली हम उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ रहे हैं, बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जिस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे सोसाइटी में मॉडर्निटी आती गई, जो मॉडर्न फिनोमिनाज आते गए, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम होता गया, वैसे वैसे ही सोशियोलॉजी डेवलप हुई, उसके साथ ही सोशियोलॉजी डेवलप हुए, कहीं ना कहीं मॉडर्निटी और सोशियोलॉजी या मॉडर्न यूरोप और सोशियोलॉजी का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है। तो हम थोड़ा हिस्टोरिकली उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड दिया था, अब हम कमर्शियल रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये वन ऑफ द फर्स्ट रेवोल्यूशंस, मतलब इतने सारे जो रेवोल्यूशंस हुए, कमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच और बहुत सारे, और एनएसए का जो फेज है, उन सब में सबसे फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं कमर्शियल रेवोल्यूशन से, क्योंकि स्टार्ट इसी से सब कुछ होता है, ठीक है? तो कमर्शियल रेवोल्यूशन इस मॉडर्निटी के फेज में जाने का एक पहला पड़ाव या पहला स्टेप या पहला फेज है, ठीक है? तो कमर्शियल रेवोल्यूशन है क्या, तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये ट्रेड, व्यापार, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेड, व्यापार, इन सब से संबंधित है, कॉमर्स से संबंधित है, तो आप बहुत हद तक सही है, बहुत हद तक आप सही हैं। तो ये कब होता है कमर्शियल रिवॉल्यूशन, तो कुछ सीरीज ऑफ इवेंट होती हैं, बहुत सारी कुछ इवेंट्स होती हैं 1450 से 1800 तक, ठीक है? सीरीज ऑफ इवेंट्स की बात कर रहे हैं हम, एक इवेंट नहीं होता, बहुत सारे लगातार एक प्रकार के इवेंट्स होते हैं, जिसको हम कमर्शियल रिवॉल्यूशन कह देते हैं, जो कि 1450 से 1800 तक होता है। ये वैसा इस उस टाइम का फेज होता है, मतलब या
इस टाइप का होता है कि इस टाइम पे ट्रेड कॉमर्स जो होता है, व्यापार वगैरह, उसमें बढ़ोतरी होती है, उसको लेके लोग सीरियस होते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं, तो ये इस टाइप का। अब हम इसे रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं, आपका क्वेश्चन ये भी माइंड में आ रहा होगा कि इसे हम रिवोल्यूशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे, इतने लार्ज स्केल पे होता है और इतने ऑर्गेनाइज मैनर में होता है, स्टेप बाय स्टेप लाइक होता है, कि इसको हम रिवॉल्यूशन कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि कॉमर्स को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए इतना बड़ा स्टेप। ऐसा नहीं था कि व्यापार इससे पहले हो नहीं रहा था, या मध्यकाल में यूरोप, मध्यकाल के यूरोप में या मध्यकाल के अन्य देशों में भी, मतलब या अन्य पार्ट्स में भी, अन्य हिस्सों में भी, या एंशियंट टाइम में, मतलब प्राचीन काल में व्यापार नहीं हो रहा था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे और इतने ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा था, इसीलिए हम इसको कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन कह रहे हैं इस फेज को। ठीक है, ऊपर ये मेंशन है। तो ये एक्सपेंशन या इतना व्यापार होने की बात शुरू क्यों होती है, क्यों, किस और कौन करता है, तो ये सब हम अभी देखेंगे। तो देखिए, ये कुछ यूरोप की कंट्रीज होती हैं और इनको अपना इकोनॉमिक यानी आर्थिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक पावर को और डेवलप करना होता है, बढ़ाना होता है, खुद को मजबूत करना होता है, तो वो ये सारी स्टेप्स लेती हैं कि अपने कॉमर्स को, या देखिए आपको अगर इकोनॉमिक लेवल पे या आर्थिक लेवल पे खुद को मजबूत करना, तो व्यापार करना जरूरी है। अगर आपका देश व्यापार नहीं करता है तो वो उतना, मतलब, बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाता, और जब आपके पास धन होगा तो पावर अपने आप आ जाएगी। जिसके पास पैसा है उसके पास पावर ऑटोमेटिकली आ जाती है। ठीक है, बेसिक आइडियोलॉजी है। तो ये अब कौन कौन सी कंट्रीज यूरोप की भाग लेती हैं इस व्यापार को अब बढ़ाओ, मतलब बढ़ाने में, तो स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड और पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। तो ये चार मेजर कंट्रीज स्टार्ट में, जब 1450 से शुरू होता है, तब ये चार कंट्रीज प्रारंभ करती हैं। बाकी आगे अदर कंट्रीज आती जाएंगी और कुछ पीछे छूटती जाएंगी, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझते हैं कमर्शियल रिवॉल्यूशन का। तो देखिए, यूरोप का जो ट्रेड है वो ओरिएंटल और ईस्टर्न कंट्रीज से, इंडिया से, चाइना से, इन सब कंट्रीज से लैंड रूट से होता था, यानी जमीन का जो रास्ता था उसके थ्रू यूरोप का ट्रेड, हमारी जो कंट्रीज है हमारे आसपास और इंडिया, चाइना, ये सब, इन सब से व्यापार होता था। ठीक है, तो जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न इटली था, ठीक है, जहाँ पे वेनिस और गेनोआ था, दो मेजर सेंटर्स थे ट्रेड के। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट है, मैं आपको मैप में दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में कि कौन से पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। तो और अगर आपके पास फोन में मैप हो तो प्लीज देख लीजिए इस चीज को। तो जो नॉर्दर्न इटली का पार्ट होता है, ये दो पर्टिकुलर सिटीज, वेनिस और गिनोवा, ये मेजर ट्रेड सेंटर होती है, यानी यहाँ से ही होके हमारे कंट्रीज में, यानी ईस्टर्न जो कंट्रीज होती हैं उधर लोग यूरोप से व्यापार करने आते हैं। ठीक है, और जो जो भी, इस वजह से क्या होता है कि इटली का ये हिस्सा होता है, इटली के थ्रू होता है, तो इटली का जो पावर होता है या इटली का जो वर्चस्व होता है वो बढ़ जाता है। और मान लीजिए कि हमारे देशों से, मतलब चाइना, इंडिया वगैरह से, इन कंट्रीज से जब इन दो सिटीज में, यानी वेनिस और गिनोवा में सामान जाता है, तो इटली डिसाइड करता है कि वो कितना महंगा या कितना सस्ता बेचेगा। तो इटली अपना खूब धन कमाता है और खूब पैसा, मतलब, जुटाता है, क्योंकि वो जो स्पाइसेस होती हैं, सिल्क वगैरह होती हैं, वो हमारे देश से जाता है वहाँ पे, और वो डिसाइड करता है बहुत ही महंगे रेट में यूरोप के अन्य देशों को बेचता है, या वो डिसाइड करता है कि कितना रुपये लगेगा, कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, बिकॉज ऑफकोर्स वहीं से आपको होके जाना है, या वहीं से होके आपका सामान आएगा अगर हम लोगों की कंट्री से जा रहा है। ठीक है, और इस वजह से वो काफी महंगी हो जाती है, और इटली का मोनोपोली भी है, वर्चस्व भी है। तो पुर्तगाल और स्पेन, इनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक ऐसा तरीका ढूंढे, हम इस तरीके से कि हमें इटली से होगी के मतलब ईस्टर्न कंट्रीज में जाना ना पड़े। ठीक है, तो उनके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक ऐसा तरीका ढूंढें कि जिससे हम ये इटली जो अपना वर्चस्व चला रहा है, एकदम वो बन के बैठा हुआ है बॉस की, नहीं हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्राइस लगेगा, इटली को हम साइडलाइन कर दें और एक ऐसा नया रास्ता हो जिससे हम व्यापार करें और हमारा उस पे वर्चस्व हो। ठीक है,
तो इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि सी का रास्ता ढूंढते हैं, मान लीजिए इस पर्टिकुलर जगह से सी से ऐसे रास्ता ढूंढते हैं होके ईस्ट में आने का। मैप मैंने दिखाया नहीं, इतना गंदा मैं ड्रॉ कर रही हूँ, बट आप प्लीज मैप ऑन मैप देख लीजिए। ओके ठीक है, ये लोग अब लैंड जो कि इटली से होके जाता था उस रूट को छोड़ के एक सी रूट फाइंड करते हैं या फाइंड करने के लिए लोगों को भेजने लगते हैं। पोर्तुगीज जो था वो सबसे ज्यादा मतलब लोगों को इन एडवेंचरस नेविगेशन पे या एक्सप्लोरेशन पे यानी नए रास्ते ढूंढने के लिए भेजता है। आप बहुत सारे वास्को डिगामा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने 1498 में इंडिया आए थे और उन्होंने पूरा ये साउथ सदर्न जो टिप है अफ्रीका का पानी से जो ऐसे टच होता है वो सारा पूरा घूम के आते हैं। उसके बाद कोलंबस के आपने पढ़ा होगा, वो थे तो इटालियन, लेकिन जो स्पैनिश किंग थे कोलंबस जो थे वो थे बाय मतलब बाय बर्थ और बाय कंट्री इटली के, लेकिन उनको जो स्पेन के किंग और क्वीन थे उन्होंने भेजा था इंडिया ढूंढने के लिए, लेकिन इंडिया ढूंढते ढूंढते वो अमेरिका ढूंढ लिए, तो वो अमेरिका पहुंच गए। लेकिन अलग बेसिकली ढूंढने का मतलब क्या था, रास्ता ढूंढ रहे थे। हम लोग कहते हैं ना कि वास्को डिगामा ने इंडिया को इतने में मतलब फाइंड किया और कोलम्बस ने अमेरिका को, नहीं जी वो पहले से था। हमने या कोलम्बस ने जो थे या वास्को डिगामा या जो भी फ्रेंच पोर्तुगीज लोग आ रहे थे वो सी रूट ढूंढ रहे थे जिससे वो व्यापार कर सके और एक्सप्लॉइट कर सके। ठीक है, लेकिन वो अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के जगह इंडिया को ढूंढने पहुंचे थे, पर पहुंच गए अमेरिका का नॉर्थ वाला पार्ट ढूंढते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच फ्रेज क्या है या कैच पॉइंट क्या है कि अमेरिका उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशली स्पेन के लिए, क्योंकि ये स्पेन ने इनको स्पॉन्सरशिप किया था, थे तो इटालियन, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। और यही जो फाउंडेशन है या बोलते हैं कि जो जड़ है, या फाउंडेशन को और भी क्या चीजें बोलते होंगे, फाउंडेशन मतलब एक जो ईंट रख दी जाती है स्पैनिश एम्पायर की अमेरिका में, मतलब इसी समय से स्पेन का वहां पे थोड़ा वर्चस्व होने लगता है। ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस एंड हॉलैंड जो थे वो तुरंत स्पेन और पुर्तगाल का रास्ता पकड़ लेते हैं। मतलब अब देखते हैं कि स्पेन और जो पुर्तगाल है वो एकदम मतलब बहुत ज्यादा सी रूट ढूंढ रहा है, व्यापार कर रहा है, खूब पैसा कमा रहा है, तो इन्हीं का रास्ता फॉलो करते हैं ब्रिटेन फ्रांस और हॉलैंड, और इन्हीं के रास्ते पे ये भी अपने अपने डिस्कवरीज करने लगते हैं, व्यापार करने के तरीके ढूंढते हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे स्पेन और पुर्तगाल आगे बढ़ते हैं, ब्रिटेन फ्रांस हॉलैंड भी उनका रास्ता फॉलो करते हैं, और जो इंडिया के पार्ट होते हैं, अफ्रीका के पार्ट होते हैं, स्पाइस आइस जो आइलैंड होता है, वेस्ट इंडीज होता है, साउथ अमेरिका होता है, ये सारे जो पार्ट मैंने अभी डिस्कस किए, ये सब जो हिस्से होते हैं वो इन लोगों के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं। किसके किसके किस किस कंट्रीज के कंट्रोल के अंदर, स्पेन पुर्तगाल इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड हॉलैंड, ये लोगों ने मतलब इस डिस्कवरी करते हैं तो ये लोग कब्जा भी कर लेते हैं, बेचारे मासूम लोगों को अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो वाणिज्य व्यापार है वो बहुत बड़ा एंटरप्राइज बन जाता है, और जो इटालियन मोनोपोली की मैंने बात की कि इटली का एकदम वर्चस्व चल रहा था, वो प्राइस बहुत महंगा करके सामानों को बेच रहा था, बिकॉज उसके यहाँ से होके गुजरना पड़ता था या उन्हीं के यहाँ व्यापार एक सेंटर था वो व्यापार का। ठीक है, यूरोप में आने का लैंड के थ्रू, वो अब उनकी मोनोपोली खत्म हो जाती है बिकॉज इन लोगों ने पानी के थ्रू सी के थ्रू जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। और अब यूरोपियन मार्केट में क्या होता है, नए नए प्रकार के सामान, खाने के स्पाइसेस, कपड़े, टबैको या कोको जो चॉकलेट होता है, या ये सब चीजें जो होती हैं वो आयरनी सॉरी आइवरी जो होता है, जो आयरनी नहीं आइवरी जो होता है बेसिकली हाथी दांत से बनी हुई चीजें होती हैं, ज्वेलरी में यूज होता है वगैरह वगैरह, ये सब प्रकार की चीजें बहुत सारी आने लगती हैं यूरोप में, क्योंकि अब रास्ता ढूंढ लिया गया है सी के थ्रू जाने का। और सबसे इम्पोर्टेंट, ह्यूमन स्लेव, आदमी जो जिनको दास बनाया गया था अफ्रीका से, जहाँ से ये रेसिज्म, काले घोड़े का भेद, ये सब शुरू होता है, और जिस प्रकार से मतलब मानवता को एकदम खत्म करने का कार्य यूरोप की कंट्रीज करती हैं उस टाइम पे, वो यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से एक्सप्लॉयटेशन, और बाद में यही जो है लोगों देशों पे कब्जा करने का आइडिया इन लोगों को देता है, इन सारी कंट्रीज को। तो प्रारंभ यहीं से होता है जब इटली का मोनोपोली
इटली का वर्चस्व डिस्ट्रॉय हो जाता है, यूरोपियन मार्केट में नई नई चीज़ें आ जाती हैं, और ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, पुर्तगाल जो है उनका कब्जा हो जाता है सी रूट्स पे, क्योंकि ऑफ कोर्स डिस्कवर किया है, पता किया है कि भाई ये सी रूट यहाँ जाता है, तो कब्जा भी करेंगे, और ह्यूमन स्लेव्स अफ्रीका से आते हैं। ठीक है, कमर्शियल रिवोल्यूशन आगे हम पढ़ ही रहे हैं। तो अब कमर्शियल रिवोल्यूशन में आगे जैसे जैसे बढ़ते हैं, तो पुर्तगाल जो जिन्होंने शुरू किया था इस पूरे पूरे ऐतिहासिक बदलाव को लाने की कोशिश जो इन्होंने की थी पुर्तगाल और स्पेन की, इनका पावर कम हो जाता है, इनका पावर डिक्लाइन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस ये जो यूरोप के तीन देश होते हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं, अपना वर्चस्व दिखाने लगते हैं अन्य देशों के ऊपर, स्पेशली ईस्ट के ऊपर और अमेरिका के ऊपर भी। लेकिन इसके अलावा भी जो इस आंदोलन में या इस जो रिवॉल्यूशन में, बेसिकली आंदोलन और रिवॉल्यूशन अलग चीज़ है, बट इस कमर्शियल रिवॉल्यूशन में अन्य चीज़ें जो होती हैं वो होता है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले बैंक नहीं होता। ठीक है, अब बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज होती है ना, जिसमें आप एक प्रकार की कार्ड ले लेते हो और आप सामान लेते रहते हो और आपको एक लिमिट पीरियड में आपको चुकाना होता है। ठीक है, चेक 18th सेंचुरी में आता है, जिसमें आप लिख के दे देंगे तो बैंक जो है पैसे दे देगी उस पर्सन को, ये सब चीज़ें आप जानते हो। पेपर मनी, इससे पहले गोल्ड या सिल्वर के कॉइन सिक्के चलते हैं, मतलब गोल्ड और सिल्वर जो होता है वो रुपए के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन अब पेपर मनी आ जाती है। ये सब कब से, 1450 से 18th सेंचुरी के बीच में जो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटेड कंपनीज आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें मर्चेंट्स वगैरह जो भी व्यापारी वगैरह होते हैं वो एक साथ आते हैं, काम करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी आती हैं। स्टॉक आपको पता होगा, मान लीजिए एक कंपनी है, तो एक कंपनी अपने जो हिस्से हैं, एक तरीके से मान के चलिए सिंपल भाषा में बात करें तो एक कंपनी है वो अपने हिस्से जो हैं वो 100 हिस्सों का मान लीजिए बना देती है, कि एक कंपनी अपने में 100 टुकड़े कर देती है, तो कुछ 10-5% अपने पास रखती है और बाकी हम स्टॉक के रूप में अलग लोग खरीद सकते हैं, बेसिकली भागीदारी कर रहे हैं उस कंपनी के विकास में, हम भागीदारी कर रहे हैं, स्टॉक खरीदेंगे तो हम पैसा देंगे उस कंपनी को, वो पैसा वो आगे लगाएगी और डेवलपमेंट करेगी। ठीक है, बेसिक आइडिया ये होती है। तो ऐसी कंपनी का जो जन्म होता है वो इस टाइम पे होता है, इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं और स्टॉक खरीदते हैं। चार्टर्ड कंपनीज क्या होती थी, आपने सुना होगा कि ब्रिटेन की रानी जो होती है, ब्रिटेन की जो ब्रिटेन था वो चार्टर्ड देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ये करे। चार्टर्ड कंपनी या चार्टर का मतलब बेसिकली होता है एक तरीके से गारंटी देना। ठीक है, एक तरीके से ऑर्डर देना, एक पेपर प्रकार का होता है कि किसी भी देश का गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर कंपनी को ऑर्डर दे रहा है कि हाँ आप इस एरिया में जाके व्यापार कर सकते हो, हमने आपको अधिकार दिया। इसकी एग्जाम्पल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो सकती है, क्योंकि इनके जो पर्टिकुलर देश थे, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको ब्रिटेन ने एक चार्टर्ड दिया था कि जाओ आप भारत पे राज करो, अपना दम वहां पे ड्रामा ही कर देना, पूरा जीना हराम करके रख देना। तो ठीक है, चार्टर मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऑर्डर हो गया। एक और चीज़ इस फेज में होता है, मिडिल क्लास जो होती है वो इकोनॉमिक पावर पे आने लगती है। 17th सेंचुरी के एंड में मिडिल क्लास जो होती है वो यूरोप में बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंशियल, बहुत प्रभावशाली ग्रुप बन जाती है, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज में, जिसमें मर्चेंट्स, बैंकर्स, शिप ओनर, इन्वेस्टर और ये सब होते हैं। देखिए, इस फेज से पहले राजा और रिलीजन से जुड़ा हुआ कोई प्रीस्ट या पोप, और एक या उसके बाद एक लोअर क्लास, तीन ही भाग में मतलब तीन वर्गों में बटा हुआ था। लेकिन अब मिडिल क्लास करके एक वर्ग आती है। मिडिल क्लास में कौन से लोग होते हैं, जो व्यापार करते हैं, या बैंक्स, मैंने बात की कि बैंक्स खुलने लगते हैं, उसके बैंकर्स जो बैंक में काम कर रहे हैं, चेक ले दे रहे हैं, या जिनकी शिप है, क्योंकि अब तो हम लैंड रूट से यानी जमीनी तो हम व्यापार कर नहीं रहे, अब हम पानी के थ्रू जा रहे हैं, तो जिनके पास शिप ओनर, जिनके पास शिप है बड़ी बड़ी, वो अमीर हो गए, इन्वेस्टर जो कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बिकॉज सारा पैसा तो ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल क्लास रिच हो जा रही है।
उसके बाद साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड द रेनेसा पीरियड, ठीक है। तो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन एंड रेनेसा पीरियड हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो रेनेसा ओवरऑल कुछ चीज़ें जो हुई थी बदलाव उनको हम लेके चलते हैं। साइंटिफिक एक स्पेसिफिक फेज था जब बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक तौर पे हम लोग प्रगति कर रहे थे, ठीक है। सो साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड दी रेनेसा पीरियड। सो हिस्ट्री ऑफ साइंस क्या होता है? बेसिकली इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं बस समझने के लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस बेसिकली ये होता है कि हमें डेट्स या इवेंट्स को मेमोराइज नहीं करना, यानी कब कौन मरा, कब कौन पैदा हुआ और कब कौन सी लड़ाई हुई हमें नहीं याद करना है। हमें समझना है बेसिकली हिस्ट्री ऑफ साइंस में क्या कनेक्शन बिटवीन साइंस, सोसाइटी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड कल्चर, मतलब जितने भी सोसाइटी के एलिमेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट होते हैं एक सोसाइटी के, उनके बीच में क्या कनेक्शन है। इसलिए हम हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ते हैं, इसलिए नहीं कि हम डेट्स याद रखें और इवेंट याद रखें। जनरली लोग यही समझते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या हुआ, कि आप डेट रट लें, आप इवेंट्स को याद कर लें कि हाँ वर्ल्ड वॉर 2 इस साल हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 में ये हुआ। नहीं, हमें कनेक्शन समझना है कि सोसाइटी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर का क्या रहा है, किस तरीके से डेवलप हुआ है, ठीक है। अब सोशल फंक्शन ऑफ साइंस के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, सारा साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के अंदर ही आता है। देखिए, साइंस कभी भी इंडिपेंडेंट एलिमेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट नहीं होता सोसाइटी का। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी और साइंस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? जब ह्यूमन की नीड होती है तो ही साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं। साइंस के हेल्प से हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोविड आया तो हम कोविड का वैक्सीन ढूंढने निकल गए, हमने डिफरेंट रिसर्च किए, डिफरेंट हमने मेडिसिंस को टेस्ट किया और बहुत सारे हमने प्रोसेस करके एक वैक्सीन निकाली। तो जैसे देखा है आपने कि जितनी भी मतलब जितने भी इन्वेंशंस जो हुए हैं हमारे हिस्ट्री में, साइंस में, वो कुछ ना कुछ जब नीड रही है तभी हुई है। नीड को या वांट को हम लोग बोलते हैं कि साइंस का मदर होता है। जब हमको ज़रूरत होती है तो हम कुछ ये डेवलप कर लेते हैं, लाइक कोविड का वैक्सीन अगर करंट एग्जांपल है, ठीक है। तो सोशल फंक्शन क्या होता है साइंस का, उसे हमें समझना है, ठीक है। देखिए, जो जर्नल इंटेलेक्चुअल एटमोसफेयर होता है किसी भी सोसाइटी का, मतलब इंटेलिजेंस लोग या इंटेलिजेंट लोगों से जो घिरा हुआ सोसाइटी होता है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है साइंस को। किस प्रकार से? जब भी हमारी थिंकिंग बदलती है, जब भी हमारा एटीट्यूड, बिलीफ चेंज होता है, तो उसी के हिसाब से न्यू चीज़ें आने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मिडिवल टाइम तक देखें या मॉडर्न इरा के स्टार्ट में भी देखें, तो हमारी नीड नहीं थी कि हम किचन में मिक्सी मिक्सी ग्राइंडर, जूसर और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करें, बिकॉज वीमेन सारा काम खुद हाथ से कर लेती थी। पर वीमेन वर्क करने लगी, ऐसा लाइक इतना सारा काम अकेले करना मुश्किल हो गया। जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हुई तो जॉइंट फैमिलीज में इंसान साथ में काम कर लेता था। तो ये सब जब न्यू एटीट्यूड आया, लोगों की बिलीफ चेंज हुई, तो ये ऐसी डिस्कवरीज हुई। मैंने एक एग्जांपल दिया, सारी डिस्कवरीज का कुछ ना कुछ इस टाइप से होता है। तो द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप ओन्स अ ग्रेट डील टू द आइडियाज एंड डिस्कवरी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई साइंस। सोशियोलॉजी का जो इमर्जेंस हुआ है यूरोप में, वो बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से साइंस का मतलब उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। बिकॉज आपको पता है, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हुआ वो साइंस के एक तरीके से फाउंडेशन पे ही वो डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा भी अगर हम मिडिवल से मॉडर्न टाइम के टाइम मतलब मॉडर्न के टाइम पे जब हम जा रहे थे, जब हम उस जर्नी में थे, तो बहुत सारे साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, ठीक है। वो अभी हम डिस्कस नीचे करेंगे। देखिए, मैंने मिडिवल सोसाइटी के बारे में आपको बात बताया था कि वो फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम में मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया है कि फ्यूडल सिस्टम का क्या होता है। जो किंग होता है वो अपने लैंड डिफरेंट डिफरेंट फ्यूडल लॉर्ड को देता है, और वो लॉर्ड अपने जमीन पे काम करवाते हैं और एक सेना मेंटेन करते हैं। जब भी राजा को सेना की आवश्यकता पड़ती है तो फ्यूडल को बोलता है, और फ्यूडल कुछ मनी भी देता है किंग को, नजराना जिसको आप बोल सकते हैं, जो मुगल टाइम पे चलता था, ठीक है। और फ्यूडल सिस्टम सोसाइटी था यूरोप का, मतलब फ्यूडल सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और चर्च जो था वो अथॉरिटी लर्निंग का एकदम सेंटर था। जो भी रिलीजन के बिलीफ थे, चर्च जो बताता था, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते थे। चर्च में चर्च के ही आइडियाज को पढ़ाया जाता था, मतलब
जो बुक होती थी वो किंग या चर्च द्वारा होती थी। तो इस ये ऐसा समय था जब साइंस को डेवलप होने का एटमॉस्फेयर नहीं मिला, ठीक है, और साइंस केवल इतना ही था कि कुछ भाई एक दो कोई टेक्निक बेटर बना दी हमने, मतलब खेत की रुपाई के लिए, बुआई के लिए, इसी सब चीज़ों में था। साइंस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता था, बिकॉज साइंस बहुत ज़्यादा ग्रो करता तो कहीं ना कहीं वो ये जो चर्च की मोनोपोली थी या रिलीजन का जो वर्चस्व था उसको चैलेंज कर सकता था, ठीक है। और उस टाइम पे आइडियाज़ को फ्लरिश होने नहीं दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, ठीक है। उसके बाद रेनेसा का पीरियड अगर हम देखते हैं तो वो एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का स्टार्ट होता है। तो रेनेसा 14 से 17 सेंचुरी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको डिफरेंट डिफरेंट वो मिलेगा। बेसिकली वो फेज जब हमने क्वेश्चन करना शुरू किया, जब साइंस डेवलप होने लगा, जैसे मॉडर्निटी का मतलब एक तरीके से ब्रिज मानते हैं, ठीक है, उस टाइम को। ये कहीं ना कहीं ब्रेक था पास्ट के, और ये चैलेंज करता था ओल्ड अथॉरिटीज को। चैलेंज जैसे कि जो भी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे मैंने डिस्कस किया फ्यूडल सिस्टम, रिलीजन, इन सब चीज़ों को चैलेंज करता था। तो इस टाइम पे काफ़ी सारे जो सोसाइटी के एस्पेक्ट होते हैं, वो आर्ट हो, मेडिसिन हो, साइंस हो, इन सब में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हमने अचीव करने के उस टाइम पे अचीवमेंट्स हुए हैं साइंटिस्ट द्वारा और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट द्वारा। तो अगर हम लिटरेचर, विजुअल आर्ट और साइंस वगैरह की बात करें, तो हमने इस टाइम पे क्या किया, हमने एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाया नेचर और ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। और हम पेंटिंग्स उस पीरियड के अगर उठाएं तो हम देख सकते हैं कि कितने स्मॉलेस्ट डिटेल्स वगैरह बताई गई है नेचर या ह्यूमन बॉडी के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो आइडिया था पहले, जो गॉड के अराउंड ह्यूमन रिवॉल्व करते थे, अब यूनिवर्स का सेंटर इंसान बन गया था, ठीक है। अब ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमने अपना लिया था, ह्यूमनिज्म हमने अपना लिया था, ह्यूमन अब इम्पॉर्टेंट था, जो कि पहले के पीरियड में केवल गॉड इम्पॉर्टेंट था और किंग इम्पॉर्टेंट था। अब ऐसा नहीं था, हर इंडिविजुअल की अब एक जो वो है रिस्पेक्ट सोसाइटी में इक्वल हो रही थी, ठीक है। तो साइंस का जो अप्रोच था वो ह्यूमन बॉडी को, नेचर को समझने का था। इसीलिए आप विजुअल आर्ट में भी देखेंगे कि उस टाइम की पेंटिंग, देखिए रेनेसा टाइम पीरियड, आप गूगल पे मतलब रेनेसा डाल के पेंटिंग एक्सेट्रा लिखेंगे कीवर्ड्स को, तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। मोनालिसा आप एग्जाम्पल है, बहुत सारे पेंटिंग्स एंड ऑल देखने को आपको मिल जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना ज्यादा डिटेल्स पे फोकस किया गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम मेडिसिन की बात करें तो जो डॉक्टर्स थे या फिजियोलॉजिस्ट थे वो ह्यूमन बॉडी को अब अब्जॉर्ब मतलब देखने लगे, समझने लगे कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, और जो फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे ग्रो करता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इनमें विकास होता है, क्योंकि अब हम साइंटिफिक अप्रोच अपना रहे थे। पहले अंधविश्वास था कि हाँ ये पानी पी लिया, ये होली वाटर पी लिया तो हो जाएगा, लेकिन अब हम मेडिसिन को समझने लगे थे, ह्यूमन बॉडी को समझने लगे थे। उसके हिसाब से मेडिसिन्स वगैरह के फील्ड में भी रिसर्च होता है। केमिस्ट्री अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग इसको समझने लगते हैं, थ्योरीज बनाने लगते हैं, जर्नल थ्योरी ऑफ केमिस्ट्री भी डेवलप होती है इसी टाइम पे। केमिकल प्रोसेस लाइक ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन, इस टाइप के बहुत सारे स्टडीज होने लगते हैं। और आप ज़्यादा अगर केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं या पढ़े हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी थ्योरीज इसी टाइम पे डेवलप हुई है। नेविगेशन एंड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, वास्को डा गामा इंडिया पहुँचते हैं, कोलम्बस अमेरिका पहुँचते हैं। उस टाइम पे मैंने डिस्कस किया था जब अपने फर्स्ट वीडियो में, जब कमर्शियल रिवोल्यूशन होता है, वाणिज्य का जो वाणिज्य क्रांति जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उस टाइम पे डिस्कवरी शुरू हुई थी। तो उस टाइम पे अब जब आप सी में कूद रहे हैं, आप जब समंदर में कूद रहे हैं जिसका कोई आइडिया नहीं है, आपको डिस्कवरी करनी है, आपको रूट ढूंढना है कि इस रूट से जाएंगे तो हमको यहाँ पहुँचेंगे, तो उस टाइम पे ये सारे जो नेविगेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट या जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो सब डेवलप होती है। लाइक मैग्नेट का यूज़ करके डायरेक्शन का पता लगाना, आई थिंक सी में वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों का डिस्कवरी होता है। और इस कहीं ना कहीं नेविगेशन एंड मतलब जो जो कमर्शियल रेवोल्यूशन होता है वो बाद में कॉलोनियल एक एरा भी शुरू कर देता है, जब अंग्रेज या फ्रांस के या स्पेन के लोग अन्य देशों पे कब्जा करने लगते हैं। पहले तो शुरुआत करते हैं कि हम व्यापार करेंगे, लेकिन व्यापार करते करते सोचते हैं इन पे कब्जा करके राज भी कर ले तो क्या ही बुरा है, ठीक है। उसके बाद कॉपरनिकस रेवोल्यूशन, देखिए कॉपरनिकस जो थे
एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनका मेजर जो द फर्स्ट मेजर ब्रेक फ्रॉम एंटायर सिस्टम ऑफ एंशियंट थॉट केम विद द वर्क ऑफ डचमैन निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ग्रेटली बिलीव दैट द अर्थ वॉज फिक्स्ड और स्टेशनरी एंड सन एंड अदर हैवली बॉडीज मूव अराउंड इट, ठीक है, इसको जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। बेसिकली कॉपरनिकस रिवोल्यूशन, हमने इसको नाम दे दिया कॉपरनिकस के वर्क को, बेसिकली एक साइंटिस्ट आप कह सकते हैं थे। तो देखिए मिडिवल टाइम में, मध्यकाल टाइम में जो थ्योरी थी वो जियोसेंट्रिक थ्योरी थी, जिसमें विश्वास किया जाता था कि जो अर्थ है वो एकदम फिक्स है, स्टेबल है, और इसके आसपास सूर्य और अन्य मतलब ग्रह चक्कर लगाते हैं। पर कॉपरनिकस ने क्या किया, कॉपरनिकस ने इस आइडियोलॉजी को चैलेंज किया, ठीक है, उन्होंने इसके ऑपोजिट ही पूरा आइडिया दे दिया कि हमारा जो अर्थ है वो चक्कर लगाता है और अन्य ग्रह भी चक्कर लगाते हैं और सूर्य जो है वो स्टेबल है। अब इसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। अब जो चर्च शुरू से सिखा रहा था कि हम ही सब चीज़ का सेंटर है, हमारे सब चक्कर लगाते हैं ये वो, अब उसको ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है कि इतने सालों से हम इस थ्योरी पे मान रहे थे और ये कॉपरनिकस नाम का आदमी ये चाहता क्या है, ये किस प्रकार का रेवोल्यूशन लाना चाहता है। कॉपरनिकस को मार दिया गया था, पर इनकी जो थ्योरी आती है वो बहुत ही बड़ी रेवोल्यूशन होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलीजन को चैलेंज कर देती है, रिलीजन की जो आइडियोलॉजी होती है उसको चैलेंज कर। इसीलिए देखिए एक पर्सन को रेवोल्यूशन बोलना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप अपने आप में समझिए, हम क्रांति हर चीज़ को नहीं कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कॉपरनिकस का जो एज था वो रिवोल्यूशनरी था। क्यों था, क्योंकि उन्होंने इतने बड़ी रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया, जो कि ऑफ कोर्स साइंटिफिकली ट्रू भी है कि हम चक्कर लगाते हैं सूर्य के, सूर्य हमारा चक्कर नहीं लगाता, जो कि एक रिलीजियस जो कि उस टाइम पे इतना पावरफुल था उनको चैलेंज किया था, ठीक है। उसके बाद साइंस जो रेनेसा पीरियड में था वो न्यू एटीट्यूड इंसान के अंदर जगाया नेचर के प्रति। अगर हम रेनेसा पीरियड के राइटर्स, ऑथर, फिलोसफर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले थॉमस मोर की यूटोपिया के बारे में बात करते हैं। तो यूटोपिया एक ऐसी स्टोरी है, अगर हम बेसिकली समझने की कोशिश करें, अगर इसका समरी समझने की कोशिश करें, तो वहाँ पे वो एक ऐसी सोसाइटी, यूटोपिया आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इमेजिनरी जो पॉसिबल नहीं है टाइप, ठीक है, वो एक ऐसी सोसाइटी को इमेजिन करते हैं जहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, सब इक्वल मतलब हैं, जो जहाँ सोसाइटी में कोई इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। और ये उनकी बुक बेसिकली लिखी जाती है, और ये बुक की वजह से बेचारे वैसे सोसाइटी में शायद पहुंच जाते हैं, ठीक है, मतलब उस टाइम पे इतने ज़्यादा इश्यूज थी सोसाइटी में कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी साथ में रह सकते हैं, ठीक है, मैं जोक नहीं बना रही थी। बेसिकली अगर आप कुछ नया आइडिया रखने की कोशिश करते थे तो प्रीस्ट, किंग, चर्च आपको जीने नहीं देता था, ठीक है। फिर इरास्मस, आई थिंक इनको बोलते हैं, द प्रेज ऑफ फॉली इनका छपता है। बेसिकली ये वही पर्सन है जिन्होंने ओल्ड मतलब न्यू टेस्टामेंट जब लिखी जा रही होती, देखिए क्या होता है उस टाइम पे कि जो किताब होती है ओल्ड टेस्टामेंट, जिस बेसिकली क्रिश्चियन जो लोग होते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो उस बुक को फॉलो करते हैं। वो बुक ऐसे मतलब भाषा में लिखी गई थी जो जनरली जनता बोलती नहीं थी, इसलिए जो भी प्रीस्ट पोप उनको बता देते थे वो मानते थे। तो इन्होंने इस बुक में द प्रेज ऑफ फॉली में बताते हैं एक मतलब एक सार्कास्टिक मैनर में वो ये बुक लिखते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और किस तरीके से जो ये प्रीस्ट हैं, पोप हैं, वो लोगों को वो करते हैं, और यही एडिट भी करते हैं जो न्यू टेस्टामेंट लिखी जाती है, जो जर्नल लैंग्वेज में लिखी जाती है जिसे सब पढ़ सके, ठीक है। डांटे डिवाइन कॉमेडी बहुत फेमस है। आपको अगर पता हो कि और कौन से रेनेसा के राइटर्स थे, रेनेसा के पीरियड में लिखे थे, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, और देखते हैं किसको कितना पता है, ठीक है। और डिवाइन कॉमेडी में ये बात करते हैं बेसिकली डांटे, अगेन इन्हीं की तरह, प्रेज ऑफ फॉली की तरह, कि किस तरीके से प्रीस्ट, किस तरीके से सोसाइटी में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर जो मॉन्टेग्विन, या बेसिकली इनका नाम माइकल डे मोटेंज होगा आई गेस,
ठीक है, मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट में बताइए क्या किस तरीके से बोला जाएगा। तो ये बहुत सारे वेरियस टॉपिक पे लिखते हैं, जैसे कि किस तरीके से बच्चे को बड़ा करें, मतलब उसकी परवरिश कैसे करें, उसके बाद सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं उनको कैसे मैनेज करें, ग्रीफ या जैसे लॉस किसी का हो जाता है उसे कैसे मैनेज करें, बहुत सारे फिलोसफिकल ये भी लिखते हैं। रेने डिकार्टे जो थे, इनका नाम आई गेस मैं सही ले रही हूँ बिकॉज आई नो, रेने डिकार्टे जो थे ये भी फिलोसफर थे। इनका एक बहुत पॉपुलर कोट है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। बेसिकली वो फिलोसफर थे, इसलिए क्वेश्चन करते हैं कि हम कैसे बिलीव करें कि हम एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कैसे माने कि हम ह्यूमन हैं, कैसे। देखिए फिलोसफी है तो फिलोसफी में बहुत डीप विजडम देखा जाता है, तो वो उसका आंसर देते हैं। बेसिकली आप सोशोलॉजी में पढ़ेंगे इस चीज़ को कि किस तरीके से हम जब सोचते हैं, आई थिंक देयर फॉर आई एम का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर हम सोच रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हैं, ठीक है, लिटरल मीनिंग। और इनसे काफ़ी सारे सोशोलॉजिस्ट बहुत इंस्पायर हैं, बहुत जगह आप पढ़ेंगे, इवन मैथडोलॉजी पढ़ने जाएंगे तो भी इनको पढ़ेंगे, रेने डेकार्टे, ठीक है, बस आई थिंक इसमें साइलेंट होता है। तो ये मेजर राइटर्स थे, और आपको अगर पता है रेनेसा के राइटर तो कॉमेंट डाउन बिलो, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स मैथमेटिक्स में गैलीलियो आते हैं, उसके बाद कैपलर होते हैं, न्यूटन हैं, इन सारे लोग ओल्ड आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, ठीक है, और नए आइडियाज़ ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ बताते हैं जिससे उन चीज़ों को रॉन्ग प्रूफ किया जा सके और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन ढूंढे जा सके, ठीक है। कहीं ना कहीं ये समाज को उस टाइम का जो सिचुएशन है उसको चैलेंज करते हैं, ठीक है। विलियम हार्वे जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का जो होता है वो डिस्कवरी करते हैं, और ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म है हम एज अ, या हम किस तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं, सब चीज़ों के बारे में रीथिंकिंग होने लगती है। पहले हम जो भी होली वाटर पी के ठीक था, ठीक है, कुछ हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, अब साइंस मेडिकल साइंस ये सब भी डेवलप हो रही है, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो हो रही थी समाज पे, इन्होंने ही इम्पैक्ट किया सोशल, अगर हम थॉट के बारे में देखें, अगर कॉम्ट का, स्पेंसर का, डर्खाइम का, ठीक है, और भी सोशोलॉजिस्ट का, यहाँ पे हमने बस नाम दिया है। सबसे ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग अगर मैं वर्क बोलूं, जो आप हिस्ट्री उठा लें, सोशियोलॉजी उठा लें, जहाँ भी उठा लें, जिससे इंस्पायर आपको मिलियन ऑफ वर्क्स और मिलियन ऑफ आइडियाज़ मिल जाएंगे, वो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स ट्राविन का था, इवन साइंस में भी, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी 1859 में जो पब्लिश हुई। ये ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपनी स्टडी करते हैं, बहुत सारे जगह पे ट्रैवल करते हैं और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह के बारे में स्टडी करके बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्पीट फॉर द लिमिटेड रिसोर्स ऑन अर्थ टू ऑफर, ठीक है। तो देखिए ये बताते हैं कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे संसाधन हैं, वो लिमिटेड है और सबको, ठीक है, फाइट करना पड़ता है, जितने भी लिविंग, जितने भी जीते जाते जागते मतलब जंतु हैं, ठीक है, उनको उस चीज़ के लिए फाइट करना पड़ता है जिससे इनका सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का आइडिया आता है, इज़ अ नेचुरल लॉ। ये बोलते हैं कि ये नेचुरल लॉ है, जो वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट होगा, जो जिसके अंदर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का वो होगा, ठीक है। और सम स्पीसीज इसी वजह से इवॉल्व करके बेटर उनके अंदर ट्रेड्स डेवलप हो जाते हैं कि सर्वाइव अच्छी तरीके से कर सके। देखिए नई नई चीज़ें हमारे आती, क्या हो जाता है ना कि हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है। अब मान लीजिए वैक्सीन दिया जा रहा है, वैक्सीन क्या किया जा रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जो कोरोना वायरस से या किसी भी वायरस से लड़ने की ऑलरेडी सब कुछ मौजूद है, बस हम उसे जागृत कर रहे हैं वैक्सीन के थ्रू। वैक्सीन क्या करता है आपको अगर पता है तो ये भी कमेंट में लिखिएगा। तो बेसिकली यही आइडिया होता है कि हमारी बॉडी इतनी खुद को मतलब इवॉल्व करती रहती है कि हम सर्वाइव कर सके जिस इतना भी सिचुएशन या इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। जैसे हमारे पूर्वज थे वैसे हम नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली हमारा फ्यूचर जनरेशन भी हमसे बहुत डिफरेंट होगा, बिकॉज हर कोई मतलब, और वही सर्वाइव कर पाएगा जो खुद का मतलब खुद को चेंज कर पाएगा। और ये अगर आप फिलोसफिकली और लिटरल भी ले तो भी, अगर आपकी थिंकिंग मतलब, ये तो ह्यूमन बायोलॉजी के हिसाब से हुआ, लेकिन आप मेंटली भी अगर इस चीज़ को सोचें तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है बात, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं बदले तो शायद उस समाज में आप फिट नहीं हो पाएंगे। देन हम फिर बैक टू बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन पे आते हैं। तो डार्विन जो स्टडी करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन को, और उनका एक और डिसेंट ऑफ मैन छपता है, ही ट्रेस द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज टू एप लाइक अ पूर्वज, ठीक है, हमारे, तो उस ये भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देता है कि ये बोलते हैं कि हम एप से आए हैं, लोग मानने को तैयार नहीं। अब
जहाँ बोल रहे थे कि सूरज हमारे चक्कर लगा रहा है, सब कुछ हमारे चक्कर लगा, हम सेंटर में हैं, और कोई कह दिया कि भाई नहीं हम सेंटर वेंटर में नहीं है, हम तो बंदर और एप से निकले हैं, तो फिर चर्च को चैलेंज कर दिया, फिर सिस्टम को चैलेंज कर दिया इन्होंने। तो ये उस थ्योरी को करते हैं, ऑफकोर्स ये भी सही थ्योरी है। और उस इनका जो बुक था वो बहुत ही ज़्यादा, देखिए मानना ये था कि भगवान ने हमें बनाया है, और हम कंजर्वेटिव जो थिंकिंग थी वो ये मानती थी। अब ये मॉन्की वाला आइडिया तो उन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा था, ठीक है। फिर डार्विन का जो इवोल्यूशनरी थ्योरी डिड हाउ एवर गेन वाइड एक्सेप्टेंस बाद में आ जाता है। और आज आपको पता होगा कि हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, डर्काइम हो गए, जो भी फंक्शनलिस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट स्कूल के लोग हैं, उन सब ने सोशोलॉजी में अपना जो आइडिया है वो इसी इसी बुक से या इस डार्विन की थ्योरी से निकाला है। और हम फंक्शनलिज्म को बहुत ही मेजर स्कूल